लेबनान के ऊपर इसराइल के हमले ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसराइल के बदले ने दुनिया को दहशत में डाल दिया है और वार का एक नया तरीका भी बता दिया है। अब दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी नहीं कि बम और हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। तकनीक के दौर में आज हर इंसान की जेब में बम है जिसका इस्तेमाल करके आप उसे तबाह कर सकते हैं। इसराइल ने लेबनान पर जो हमला किया उससे दुनिया खौफजदा है, क्योंकि दुनिया अभी पेजर बम की गुत्थी से ही नहीं निकली थी, उलझी हुई थी कि वॉकी टॉकी में हुए ब्लास्ट ने लेबनान ही नहीं पूरी दुनिया को इसराइल की टेक्नोलॉजी का एहसास करा दिया है। लेबनान इन दिनों बड़ी दहशत में है। यहां पेजर और वॉकी टॉकी सहित घर में रखे टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक फट रहे हैं। लेबनान में जहां पर भी देखो वहां लोग काफी घबराए हुए हैं। डर का आलम यह है कि लोगों ने अपनी वॉकी टॉकी और टीवी रिमोट जैसे उपकरणों से बैटरी निकालकर फेंक दी है ताकि बैटरी बम उनकी और उनके परिवार में किसी की सांसें ना छीन ले। इसराइल ने 3 दिन पहले हुए हिजबुल्ला के हमले का ऐसा खतरनाक बदला लिया कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। इसराइल ने हिजबुल्ला लड़ाकों के खिलाफ इसराइल ने जिस तरीके के हमले का इस्तेमाल किया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेबनान में एक के बाद एक धमाकों से अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कें खून से लथपथ हैं, हर तरफ चीख पुकार मच गई है। हिजबुल्ला ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सूचना तंत्र ही जान का दुश्मन बन जाएगा। हिजबुल्ला लड़ाकों को भरोसा था कि पेजर को हैक नहीं किया जा सकता था, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसराइल ने पेजर को हैक कर उसे एक साथ ब्लास्ट कर दिया जिसके बाद पूरे लेबनान शहर में हाहाकार मच गया। ऐसा नहीं है कि इसराइल के निशाने पर केवल हिजबुल्ला के लड़ाके थे। हिजबुल्ला लड़ाकों के अलावा जिस किसी के पास भी पेजर था वो ब्लास्ट का शिकार बना। वो सभी लोग तबाही के मंजर के या तो गवाह बने या फिर शिकार बने। हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल के हमले से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते हैं। इसराइल चुप है, लेकिन ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जो दावा करती है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इसराइली सेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब पेजर के बाद वॉकी टॉकी में हो रहे ब्लास्ट ने दुनिया को लड़ाई की नई तकनीक बता दी है कि आखिर कैसे अब तकनीक के दम पर हम किसी को भी टारगेट करके उसका खात्मा कर सकते हैं। इसराइल ने एक बड़े सीक्रेट ऑपरेशन के तहत पेजर्स में विस्फोटक लगाया और फिर एक समय तय करते हुए इनमें ब्लास्ट किया। जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ वो नए थे और हाल ही के महीनों में हिजबुल्ला ने इनको खरीदा था। जिस वक्त हिजबुल्ला के हजारों पेजर में एक साथ धमाके हुए थे उस वक्त सारे पेजर में एक ही हरकत हुई थी। जानकारी के मुताबिक पहले तो सारे पेजर पर एक मैसेज आया, फिर वे वाइब्रेट करने लगे और धमाके के साथ फट गए। अब आपके जहन में बार बार ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पेजर है क्या जिसे इस्तेमाल करके ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। वॉकी टॉकी और मोबाइल को तो आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन पेजर को लेकर बहुत से लोगों के मन में संशय बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पेजर है क्या। तो पेजर एक छोटी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, तब इससे 40 किलोमीटर की रेंज में मैसेज भेजा जाता था। लेकिन 80 के दशक तक आते आते दुनिया भर में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा। हालांकि मोबाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी के आने के बाद पेजर लगभग खत्म हो गया, लेकिन हिजबुल्ला जैसे कई आतंकी संगठन और अपराधी अभी भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मोबाइल और दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस के मुकाबले बहुत सुरक्षित माना जाता है और आसानी से पकड़ में नहीं आता। इसीलिए हिजबुल्ला आज भी पेजर का इस्तेमाल करता है और हिजबुल्ला लड़ाके आपसी कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस पेजर को ब्लास्ट बनाकर लेबनान पर इसराइल ने हमला किया वो पेजर आखिर कैसे कैसे करता है, तो इसे आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो अगर जैसे आपको पेजर के जरिए किसी को मैसेज भेजना है तो पहले रिसीवर की रेडियो फ्रीक्वेंसी अपने डिवाइस में सेट करनी पड़ती है और इसके बाद मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज उसी यूनिक फ्रीक्वेंसी पर रिसीव होगा जिस पर भेजा गया है।
पेजर में कॉलिंग वगैरह की कोई सुविधा नहीं होती। पेजर मुख्य तौर पर तीन तरह के होते हैं। पहला है वन वे पेजर, जिसमें सिर्फ मैसेज रिसीव किया जा सकता है। दूसरा है टू वे पेजर, जिसमें मैसेज रिसीव करने के साथ साथ सेंड करने की भी सुविधा होती है। और तीसरा है वॉइस पेजर, जिसमें वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज भेजे जा सकते हैं। पेजर मोबाइल फोन और दूसरी टेक्नोलॉजी के मुकाबले बहुत सिक्योर माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेजर में बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी यूज होती है और तमाम फिजिकल हार्डवेयर है, इसीलिए उसको मॉनिटर करना मुश्किल होता है। पेजर से भेजे गए मैसेज को भी ट्रैक करना कठिन काम है, इसीलिए हिजबुल्ला और आतंकी संगठन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हिजबुल्ला ने इसराइल पर बमबारी की थी। उसके बाद इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हिजबुल्ला को करारा जवाब मिलेगा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि इसराइल इस तरह का कोई प्लान करके हिजबुल्ला के होश उड़ा देगा। अब सवाल यह है कि आखिर इसराइल ने पेजर को कैसे हैक किया और फिर कैसे एक साथ ब्लास्ट की योजना बनाई। तो ऐसा लगता है कि इसराइल के पास इसका प्लान पहले से ही था। हिजबुल्ला लड़ाकों के पास जो नए पेजर थे उनमें लिथियम बैटरी थी जो फट गई। लिथियम बैटरी अब जब अधिक गर्म होती है तो धुआं छोड़ती है, पिघलती है और यहां तक कि उसमें आग भी लग जाती है। वैसे एक साथ हजारों पेजर में धमाके के पीछे की अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। तो इसराइल के हिजबुल्ला पर हमले की थी तो थ्योरी हो सकती है। पहली थ्योरी है कि हिजबुल्ला के पेजर जिन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे थे उनको हैक कर लिया गया होगा और फिर सिग्नल के जरिए पहले से डॉक्टर पेजर में धमाका किया गया। पेजर में लिथियम की बैटरी लगी होती है, अगर पेजर को हैक कर लिया जाए तो उसकी बैटरी को ओवरहीट किया जा सकता है और इसी दौरान केमिकल चेन रिएक्शन होता है और अचानक बैटरी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसमें बहुत तेज धमाका हो सकता है। वहीं ब्लास्ट के पीछे की एक दूसरी थ्योरी भी है जो सामने आई। पेजर में ब्लास्ट किया गया तो जब सामने आई, हिजबुल्ला ने कुछ महीने पहले ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को करीब 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी खबर लगी और इसी दौरान मोसाद ने पेजर में करीब 3-3 ग्राम विस्फोटक प्लांट कर दिए थे। इसराइल ने पेजर की खेप लेबनान पहुंचने से पहले ही उसको बीच में रोक लिया, फिर उसमें बारूद प्लांट कर दिए होंगे, ये भी हो सकता है। हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल के हमले से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता था कि पेजर को हैक नहीं किया जा सकता और वो सुरक्षित है। तो यहां हिजबुल्ला के लड़ाके ये भूल गए कि पेजर का आविष्कार किसने किया था। पेजर का आविष्कार एक रोमानियाई यहूदी परिवार में जन्मे इरविंग अल ग्रॉस ने किया था। ग्रॉस का जन्म कनाडा के टोरंटो में हुआ था लेकिन उनका बाकी समय अमेरिका के ओहियो राज्य में बीता। ऐसे में हिजबुल्ला को थोड़ी भी भनक नहीं लगी और इसराइल ने इतने बड़े मिशन को अंजाम दे दिया। अब इसराइल के इस प्लान से पूरा हिजबुल्ला परेशान हो चुका है, वो पलटवार की तैयारी कर रहा है। उसने इसराइल को सबक सिखाने की चेतावनी भी दे दी है। अब इंतजार है तो हिजबुल्ला के अगले कदम पर कि आखिर उसका बदला कितना भयंकर होगा।